चैप्टर का नाम है साइलेंट रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? रिवॉल्यूशन का मतलब होता है क्रांति, ठीक है। रिवॉल्यूशन का स्पेसिफिक जो पॉइंट होता है, रिवॉल्यूशन का मतलब होता है क्रांति। और यहाँ जो दिया हुआ है वो दे रहा है साइलेंट रिवॉल्यूशन, यानी एक मौन क्रांति। क्रांति तो है, लेकिन कैसी क्रांति? मौन क्रांति, ठीक है, शांत क्रांति है। क्या जैसे मानो कि अभी हमको क्या करना हो, एक धमाका करना हो, तो हम क्या करेंगे? आजकल तो बहुत सी चीजें है कि हम फेसबुक पे कुछ डाल देंगे, लोग बवाल मचा देंगे, क्रांति शुरू हो गई। देखते हैं आप लोग फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे कोई किसी प्रकार का मैसेज आ जाता है तो हम लोग एक क्रांति का रूप ले लेता है। इस चीज को हम लोग समझ पा रहे हैं। जैसे जब इसकी शुरुआत हुई पर परहैप्स 1992 में, इंटरेस्टिंग पीस, ये प्रस्तुत जो इंटरेस्टिंग पीस निबंध है, पब्लिश्ड इन हिंदुस्तान टाइम्स, पटना एडिशन, पटना एडिशन के हिंदुस्तान टाइम्स में ये पब्लिश्ड हुआ था। टॉक्स अबाउट वन ऑफ द लेटेस्ट एंड वेरी पॉपुलर मींस ऑफ कम्युनिकेशन। किसके बारे में? मींस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के साधन के बारे में जिक्र किया गया था कि हाउ कैन वी कम्युनिकेट टू अदर पीपल। थोड़ा कुछ पहले की बातें सोचिए, क्या होता जब लोगों के पास फोन नहीं थे, लोग क्या करते थे? मैसेज लिखते थे, और वो मैसेज कितने दिनों में लिखा जाता था, फिर सेंड किया जाता था, लगभग बहुत दिनों तक पहुंचता था। अभी जो है, आज का जो दौर है, आज का जो युग है, वो साइलेंट रिवॉल्यूशन वाला है। एक क्लिक पे पूरा विश्व घूम सकता है, एक क्लिक पे पूरा विश्व को हम देख सकते हैं, पूरे विश्व में हो रही समस्याओं को हम देख सकते हैं एक क्लिक पे। एक चीजें, एक ऐसी चीज, एक ऐसा मींस, एक ऐसा साधन जिसे पूरा विश्व वाकिफ है। दिस पीस हैज बीन रिटन बाय कुणाल वर्मा, और यह जो निबंध है वह कुणाल वर्मा के द्वारा लिखा गया है। आगे चैप्टर को देखते हैं। चैप्टर को देखने से पहले इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न को देखते हैं। क्या कहता है यह प्रश्न? हाउ डू यू सेंड योर एसएमएस टू योर फ्रेंड एंड रिलेटिव? कैसे आप मैसेज भेजते हैं अपने फ्रेंड या रिलेटिव को? तो इट इज वेरी इजी टू सेंड मैसेज टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। नाउ इट इज वेरी इजी। आजकल जो है यह बहुत इजी हो गया है, पहले जो था काफी मुश्किल था मैसेज भेजना। पहले आप देखे होंगे क्या होता था कि संदेश बांट जाता था, उसको मैसेज को पूरा लिखा जाता था पर्ची पे या कपड़े के पे, और उसे लिख कर संदेश वाहक को भेजा जाता था। संदेश वाहक 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना दिन में पहुंचता था राजा के पास। संदेश वाहक होते थे, वो मैसेज को सेंड करते थे। आज क्या है, हमारे पास फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, यूट्यूब है, तमाम तरह की चीजें उपलब्ध है। पहले में और अभी में काफी अंतर दिखा है। आइए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहे कि हैव यू इवर सेंट एन एसएमएस? क्या आपने कभी एसएमएस भेजा है? अरे आप तो भेजेंगे भाई। हाउ डू यू राइट योर एसएमएस? मैसेज आप कैसे लिखते हैं? पहले छोटा सा मोबाइल था, खूब टिपी टिपी करके आप लोग लिखते थे। अब बड़ा मोबाइल हो गया, बोल के लिख सकते हैं या स्क्रीन पे लिख सकते हैं, अभी वो सब कंप्यूटर लिख सकते हैं। हाउ डू यू सेंड इट? और आप उसे कैसे सेंड करते हैं? आप उसे फॉरवर्ड कर देते हैं। अभी तो व्हाट्सएप से करना हो तो लिखिए और वहां पे एरो का निशान दिया, उसे फॉरवर्ड कर दीजिए। तो यह काफी आसान हो गया, यह एक क्रांति का रूप ले लिया। आइए थोड़ा सा देखते हैं। शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर, व्हाट इज द सर्विस, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SMS? ये आपका एक प्रश्न है, आगे जाएंगे तो आपको एक प्रश्न मिलेगा। व्हाट डज SMS रिफर्स टू? यहाँ पे लास्ट में आप एक देख सकते हैं प्रश्न होगा, व्हाट डज SMS स्टैंड फॉर? SMS स्टैंड फॉर शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, आपका एक प्रश्न का उत्तर हो गया। चलिए इसलिए लाइन पे ध्यान दीजिएगा, एक एक लाइन पे कह रहा है कि शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, संक्षिप्त संदेश सेवा। यदि हम इसको टोटली हिंदी में कन्वर्ट करेंगे
नहीं तो इस तरह से आएगा संक्षिप्त संदेश सेवा। आप जनरली एसएमएस समझिए, एवरीवन नोज व्हाट इज एसएमएस, सब लोग जानते हैं कि एसएमएस होता क्या है। एसएमएस वाज कंसीव्ड एज ए पार्ट ऑफ ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन जीएसएम। पहले जो था मोबाइल में दो तरह के नेटवर्क्स होते थे, एक जीएसएम और एक सीडीएमए। ये वही है जीएसएम, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, जो भूमंडलीय पद्धति है, क्या मोबाइल से बात करने का जो भूमंडलीय पद्धति है। एसएमएस वाज कंसीव्ड एज ए पार्ट ऑफ ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन डिजिटल स्टैंडर्ड। इट इज एबिलिटी टू सेंड एंड रिसीव टेक्स्ट मैसेज अल्फा न्यूमेरिक एट ए मोबाइल फोन। कह रहा है कि इसके पास एबिलिटी होती है, इट इज एबिलिटी टू सेंड एंड रिसीव टेक्स्ट मैसेज। क्या एबिलिटी होती है इसके पास कि मैसेज को सेंड करे और रिसीव करे। अल्फा न्यूमेरिक जो हम जो अंकीय ज्ञान होता है जो हम टाइप करके भेजते हैं एट ए मोबाइल फोन। किस पे? मोबाइल फोन से। पहले लोरा वाला सेट होता था, नहीं अभी तमाम तरह के सेट्स हो गए। मोबाइल फोन एसएमएस लाइक ईमेल इज ए स्टोर एंड फॉरवर्ड सर्विस। यह क्या है? एसएमएस लाइक ईमेल, ये एक ईमेल जैसा है, इज अ या एसएमएस ईमेल इज अ स्टोर एंड फॉरवर्ड सर्विस। ये एक स्टोर एंड फॉरवर्ड सर्विस है, स्टोर संग्रहित करने वाला एंड फॉरवर्ड सेंड करने वाला सेवा है दैट यूटिलाइज, जिसका उपयोग किया जाता है यूटिलाइज गेटवे टू सेंड मैसेज फ्रॉम सेंडर टू रिसिपिएंट। जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? जिसका उपयोग हम मैसेज सेंड करने में करते हैं सेंडर टू रिसिपिएंट, भेजने वाले से प्राप्त करने वाले के। सेंडर का मतलब भेजने वाला और रिसिपिएंट का मतलब प्राप्तकर्ता, प्राप्त करने वाले के पास। हाउएवर फिर भी मैसेज आर नॉट सेंड डायरेक्टली, कहता है मैसेज आर नॉट सेंड डायरेक्टली फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। मैसेज जो होता है वो डायरेक्ट सेंडर से रिसीवर के पास नहीं पहुंचता है, यानी भेजने वाले से प्राप्त करने वाले के पास डायरेक्ट नहीं पहुंचता। आप सोचिए कि कितना समय लगता है, क्षणिक पलक भी नहीं झपक पाता होगा, क्षणिक समय में आप मैसेज को भेज देते हैं और रिसीवर प्राप्त कर सकता है। पहले मुझे याद है फैक्स मशीन रहता था और फैक्स कोई डॉक्यूमेंट भेजना होता था तो फैक्स करना होता था, वो भी उतना फ्रेश नहीं जाता था। डॉक्यूमेंट को भेजना होता था तो वो उस मशीन पे जाओ, वहां पे उसको दो, वो 30 रुपया 50 रुपया लेता था, उसको स्कैन करता था और वहां दिल्ली मुंबई कलकत्ता कहीं भेजना हो तो उसको भेजता था, वो भी ब्लैक में जाता था, ज्यादा साफ नहीं जाता था। अभी क्या है, अभी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप मोबाइल से फोटो खींचो और फोटो खींच के सेंड कर दो। आपको दो मिनट तो बहुत हो गया, 2 सेकेंड भी नहीं लगेगा, 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा आपके मैसेज को सेंड करते हुए। पहले आपने कैमरा देखा होगा, कैमरा का फोटो खींचा जाता था, फिर रील बनाया जाता था, उसको धोया जाता था, तब पता चलता था कि मुंह टेढ़ा आया है किसी का। अभी एट दैट टाइम अभी क्या है, अभी जो है कैमरा में फोटो खींचा और तुरंत उसे मोबाइल पे फॉरवर्ड किया, आपने तुरंत उसको पब्लिश कर दिया, एसएमएस तुरंत नहीं, आप जगह जगह उसको सेंड करने लगे। इसको भेजने में आप देखिए मैसेज डायरेक्ट सेंडर से रिसीवर के पास नहीं पहुंचता, बट आर रूटेड थ्रू अ शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर। वो क्या होता है? रूटेड थ्रू शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर। सबसे पहले वह कहां जाता है? एसएमएससी में जाता है। एसएमएससी क्या है? ये भी एक आपका प्रश्न है, ये भी आपके एक प्रश्न का उत्तर है। व्हाट इज एसएमएससी स्टैंड फॉर? एसएमएससी स्टैंड फॉर शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर। दो आपका प्रश्न का उत्तर हो गया, लगभग 11 प्रश्न है शॉर्ट, जिसमें दो प्रश्न के उत्तर यहां से खत्म हो गया। कह रहा है कि एसएमएससी रन बाय सर्विस प्रोवाइडर, वो सबसे पहले एसएमएससी में जाता है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर में जाता है, वहां से सर्विस प्रोवाइडर जो सुनता है। सोचो इतना करने में कितना समय लगता है। दिस इंश्योर या निश्चित करता है, पक्का करता है दैट की द मैसेज इज डिलीवर्ड एट द डेस्टिनेशन मोबाइल इवन इफ इट इज स्विच्ड ऑफ और आउट ऑफ कवरेज एरिया। पहले जब आप छोटे मोबाइल से मैसेज करते थे तो उसमें लिखता था मैसेज डिलीवर्ड, यदि मैसेज उस मोबाइल पे पहुंच गया तो लिखता था मैसेज डिलीवर्ड, नहीं वो एक सिग्न देता था, एक सिंबल देता था कि मैसेज पहुंच गया। आज अभी व्हाट्सएप से आप मैसेज करते हो तो वहां पर भी एक सिग्न देता है, या इसमें बड़े वाले मोबाइल से जब आप मैसेज करते हो तो वहां पर सिंगल सिग्न देता है, एक सिग्न देता है कि मैसेज पहुंच गया और सेकेंड सिग्न देता है कि वो क्या हुआ,
सेकंड साइन जो होता है वो कहता है कि नहीं, मैसेज जिसके पास आपने भेजा वो उसने देख भी लिया. This ensures that the message is delivered at the destination mobile even if it is switched off or out of coverage area. ठीक है, वो निश्चित करता है कि मोबाइल आउट ऑफ नेटवर्क है या आउट ऑफ कवरेज एरिया है या स्विच अप है. और जब आप उस डेस्टिनेशन मोबाइल, डेस्टिनेशन का मतलब लक्ष्य होता है, जब उस लक्ष्य तक पहुंच जाता है तो वो आपको क्या करता है, वो आपको इंश्योर करता है, इसी करता है, पहुंच गया. द एसएमएस स्टोर्स द मैसेज एंड फॉरवर्ड. कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है किसी को, समझ में आ रहा है? तो दिक्कत नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है? जी, चलिए समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है. यहाँ सचिन खरवार जी, आपका क्लास नहीं है, आप 10 क्लास के हैं, 10 वाले क्लास में आप नहीं जुड़े, ये अच्छी बात नहीं है. आप पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं. सचिन खरवार जी, आपका क्लास 8 बजे से चलता है, इस बात का ध्यान रखिए, उस क्लास में जुड़ा कीजिए, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं. कह रहा है द एसएमएससी स्टोर द मैसेज. सबसे पहले क्या होता है, वो एसएमएससी में जाता है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर में मैसेज जाता है. एसएमएससी क्या करता है, मैसेज को स्टोर करता है, संग्रहित करता है. द मैसेज एंड फॉरवर्ड इट व्हेन द मोबाइल इज स्विच अप, यानी मोबाइल आपका स्विच अप हो या आउट ऑफ कवरेज एरिया हो, तो सबसे पहले वो एसएमएससी में जाता है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर में जाता है. और वहां से वो कहां पहुंचता है, जब मोबाइल स्विच ऑन होता है या नेटवर्क में इंटर होता है, इंटर द नेटवर्क, स्विच मोबाइल इज स्विच ऑन और इंटर द नेटवर्क. नॉर्मली मैसेज आर डिलीवर्ड इंस्टेंटली बट एट टाइम्स देयर कैन बी डिले ऑफ सम आवर्स ड्यू टू द कनेक्शन. और किसी कारणवश, ड्यू टू द कनेक्शन, किसी कारणवश डिले भी हो सकता है. डिले का मतलब होता है देर, किसी कारणवश कनेक्शन भी हो सकता है, डिले भी हो सकता है, ठीक है? इसी कारणवश डिले भी हो सकता है. ये कह रहा है कि ड्यू टू द कंजेशन, यानी मान लो कि कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो या कोई कोई समस्याओं के चलते वो क्या हो सकता है, डिले हो सकता है. कंजेशन का मतलब होता है भरा हुआ, भीड़. मान लो कि बहुत लोग एक साथ, जैसे अभी कभी क्या करते हैं हम, जब रिजल्ट जांच करते हैं तो वेटिंग बताने लगता है. ऐसा क्यों होता है कि बहुत से लोग उसको ट्राई अप कर रहे हैं, बहुत से लोग उसका कोशिश कर रहे हैं देखने का. वैसे ही जब बहुत मैसेज भरा होगा तो कहीं ड्यू टू कंजेशन, या कंजेशन का मतलब होता है भरा होना, संकुलन, भीड़ के कारण मैसेजों की संख्या अधिक होने के कारण कभी कभी डिले भी हो सकता है, देर भी हो सकता है, ठीक है? तो ये भी आपके प्रश्न का उत्तर है. आप नीचे चलेंगे फिर मैं प्रश्न की बातें करूंगा. तीसरा भी आप एक पॉइंट जो है, एक पॉइंट जो है, एक लाइन जो है, एक प्रश्न का उत्तर दे रहा है. अगला कह रहा है द ब्यूटी ऑफ एसएमएस, मैसेज की सुंदरता यह है, इज दैट मैसेज कैन बी सेंट एंड रिसीव्ड इवन व्हाइल मेकिंग वॉइस कॉल. जब हम बात भी कर रहे हो तो भी मैसेज हम सेंड कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं. द ब्यूटी ऑफ एसएमएस इज दैट मैसेज कैन बी सेंट एंड रिसीव्ड इवन व्हाइल making voice call. This is possible because a voice call takes over a dedicated radio channel for the duration of the call. ऐसा क्यों होता है? कह रहा है कि this is possible या संभव है because a voice call takes over a dedicated radio channel for the duration of the call. उसमें क्या होता है, जब हम बात करते हैं तो उसमें duration चलता है. Duration चलता है ना, duration का मतलब क्या होता है, अवधि, समय, उसमें समय चलता रहता है. एक सेकंड बाकी, दो सेकंड, ऐसे जितना बात करते हैं उसमें दिखाता है ना. आगे कह रहा है कि व्हाइल द शॉर्ट मैसेज, जबकि जो शॉर्ट मैसेज है, ट्रेवल ओवर एंड अबव द रेडियो चैनल यूजिंग द सिग्नल पाथ, उसमें ड्यूरेशन की जरूरत नहीं होती है. जब कोई शॉर्ट मैसेजिंग मैसेज हम सेंड करते हैं उसमें कोई ड्यूरेशन की जरूरत नहीं होती है, वह सिग्नलिंग पाथ ही यूज करता है, वह सिग्नल देता है, एक सिग्नलिंग पाथ, संकेतिक रास्ता चुनता है, संकेतन करता है, संकेत देता है, और वो क्या पहुंच जाता है मैसेज कहां, सेंडर के पास, रिसीवर के पास, जो रिसिपिएंट होता है उसके पास, ठीक है? एक प्रश्न आपका ये भी है, व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ एसएमएस, ठीक है? व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ एसएमएस, ये भी प्रश्न है, इसलिए इस लाइन को समझिए. अगला है द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग मैसेज एंड रीडिंग देम जनरली. यानी कि जो प्रक्रिया है द सेंडिंग मैसेजेस एंड मैसेज एंड रीडिंग देम जनरली, मैसेज को पढ़ने की, भेजने की और उसको पढ़ने की प्रक्रिया है, सामान्यता वेरियस फ्रॉम हैंडसेट टू हैंडसेट, वो अलग अलग है.
जैसा हैंडसेट होगा वैसा प्रोसेस होगा। अभी भी है 160 कैरेक्टर, हम मात्र 160 कैरेक्टर ही उसमें टाइप कर सकते हैं ना, 160 कैरेक्टर उसमें टाइप कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, उससे ज्यादा करेंगे तो डबल मैसेज करके जाएगा, पैसा डबल कटेगा। अभी बड़ा बड़ा मोबाइल आप कितना लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, कितना लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई सेंसर क्वेश्चन कराएगी द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग मैसेज एंड रीडिंग दैम जनरली वेयर एज फ्रॉम हैंडसेट टू हैंडसेट कंफर्मेशन ऑफ मैसेज डिलीवरी इज इमीडिएट। फिर भी जो कंफर्मेशन होता है, जो सूचना होता है, जो कंफर्मेशन पहुंचने का ऑफ मैसेज डिलीवरी इज इमीडिएट, वह तुरंत होता है। एंड देयर इज ऑलवेज एन अलर्ट सिग्नल, और एक अलर्ट सिग्नल भी होता है, अलर्ट सिग्नल टू कन्वे द अराइवल ऑफ द ऑफ ए मैसेज। जब मैसेज आता है तो एक सिग्नल देता है आपके मोबाइल में। आप इस चीज को बहुत बखूबी से समझ रहे हैं, बहुत आसानी से समझ पा रहे हैं, क्योंकि आप लोग इसमें माहिर हैं, मैसेज भेजने में, मैसेज करने में, मैसेज पढ़ने में माहिर हैं, और ये सब चीज मोबाइल की दुनिया के तो आप लोग बादशाह हैं। ये बात इजीली आप लोग समझ पा रहे हैं। कह रहे कि एसएमएस मैसेज आर इमीडिएट बट नॉट सिमल्टेनियस लाइक द इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस। कह रहे मैसेज एसएमएस संदेश आर इमीडिएट, तुरंत होता है, ठीक है। तुरंत होता है लेकिन एक साथ सब कि वह एक साथ SMS आर इमीडिएट बट नॉट सिमल्टेनियस लाइक द इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस, वह एक साथ नहीं होता लाइक जैसे इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस जो करता है वो एक ही साथ बहुत से मैसेज को फॉरवर्ड करता है। आपको आप भी अब कर सकते हैं, पहले नहीं था, पहले एक दो मैसेज या दस मैसेज ही अलाउ था, एक साथ मात्र 10 मैसेज सेंड कर सकते थे, या लगभग 100 मैसेज सेंड कर सकते हैं, या बहुत मैसेज सेंड कर सकते हैं एक साथ, लेकिन उसके लिए आपको मैसेज पैक होना चाहिए। तो बहुत से मैसेज भी आप सेंड कर सकते हैं, आप पहले था 10 ही लोगों को आप टिक कर सकते थे, 10 लोगों का टिक था, 10 लोगों को टिक करके और मैसेज को सेंड कर सकते थे। कह रहा है which allow a virtual real-time text conversation with people who are simultaneously logged on the internet, onto the internet. Yeah, क्या होता है? Which allow करता है real text, virtual real text conversation. जो text conversation apply करता है. Text conversation क्या मतलब? लिख कर बात करना, ठीक है? जैसे हम लोग ऐसे generally बोलते हैं, वैसे लिख के बात करना. Hi, उधर से लिखेगा hello, how are you? I am fine. ये टेक्स्ट कन्वर्सेशन हो गया, पीपल हु आर सिमल्टेनियसली लॉग्ड ऑन टू द इंटरनेट। ये हो सकता है, एक साथ भी हो सकता है, जब बहुत से लोग इंटरनेट से एक साथ जुड़े हुए हैं, 12 लोग हैं और 12 लोग इंटरनेट से जुड़ के पढ़ रहे हैं। हां, मैं चाहूं तो इस पे लिख सकता हूं, आपको मैसेज भी सेंड कर सकता हूं, बहुत सी चीजें, बहुत से प्रोसेस है। आजकल तो और आगे दुनिया चली गई है इस सब को लेके। चलिए देखते हैं, आपको पता है ये हो गया। एक्सेस टू एसएमएस इज जनरली फ्री एंड ए बिगिनर हैज ओनली टू रजिस्टर द नेटवर्क। जो पहुंचता है एक्सेस टू एसएमएस, एसएमएस को एक्सेस करना, लागू करना इज जनरली फ्री था, फ्री में लागू हो जाता था। एंड बिगिनर्स हैज ओनली टू रजिस्टर द नेटवर्क, क्या होता था, बिगिनर्स जो बिगिनर्स थे उनको केवल रजिस्टर करना था, नेटवर्क को रजिस्टर करना था, नेटवर्क से जुड़ना था, ठीक है। नेटवर्क कह रहे कि नेटवर्क सर्विस सेंटर इनटू हर या हिज या हर हैंडसेट, उसको अपने हैंडसेट से रजिस्टर। कह रहे कि द मैसेज सर्विस सेंटर नंबर ऑफ फॉर BSNL इज, ये BSNL का सर्विस सेंटर नंबर है 9434099994 × 9 × 7, ये उसका BSNL का नंबर है। अभी जो है ये सब पहले ये सब प्रोसेस था, ये टीडीएस प्रोसेस था, अभी जो है ये सब इजी है, ठीक है, ये सब बहुत ही इजी है। अभी मैसेज करना या मैसेज समझना आप लोग समझ सकते हैं, इट इज टू इजी प्लस हमारे लिए और इजी है। चलिए
The launch of SMS opened a new vista in the field of text communication. जब SMS की शुरुआत हुई तो यह एक नया फील्ड खोलता है किसके किसमें टेक्स्ट कम्युनिकेशन यानी लिखकर बात करने के फील्ड में कि हम लिख के इजीली बात कर सकते हैं प्रोवाइड आजकल तो ये काफी कॉलिंग की बातें हैं अभी सब कुछ स्टैंडर्ड हो गया है हम अब वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं सब कुछ इजी हो गया कह रहे कि प्रोवाइडिंग ए न्यू इजी वे टू द पीपल टू कम्युनिकेट एक नया आसान रास्ता खोल दिया लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए वार्तालाप करने के लिए द लिमिटेशन ऑफ कैरेक्टर वही बात कर रहे थे द लिमिटेशन सीमा जो होता है उसका कैरेक्टर का 160 फॉर द जीएसएम नेटवर्क एट प्रेजेंट कह रहा है कि उस समय की बात करें कि 106 कैरेक्टर ही आप उसमें लिख सकते थे आर द टीडियस प्रोसेस ऑफ टाइपिंग टाइपिंग की थकावट प्रक्रिया फ्रॉम द स्मॉल हैंडसेट छोटा मोबाइल होगा तो उसमें टाइप करने में काफी दिक्कतें आती थी फ्रॉम द स्मॉल हैंडसेट कीपैड फेल्ड टू डेल्टा द स्पीड ऑफ इंफोसिस इंफोसिस जो उत्साही लोग थे जो उत्साह से भरपूर थे कि बहुत से बहुत ज्यादा एसएमएस करेंगे उन लोगों को जो छोटा हैंडसेट था वो उन्हें परेशान करता था वो जो टेडियस प्रोसेस था जो उबाऊ प्रक्रिया थी वो स्मॉल हैंडसेट पे टाइपिंग करने पे कीपैड पे टाइपिंग करने पे द एसएमएस रिवोल्यूशन दैट टुक रूट्स इन यूरोप स्लोली स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द ग्लोब कह रहा है कि सबसे पहले द एसएमएस रिवोल्यूशन दैट टुक रूट्स इन यूरोप सबसे पहले यूरोप में वो स्प्रेड हुआ फैला और धीरे धीरे स्लोली स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द ग्लोब ग्लोब के दूसरे पार्ट्स पे भी विश्व के दूसरे पार्ट्स पे भी वो फैल गया स्पेशली एशिया खास करके एशिया फ्रॉम द फर्स्ट शॉर्ट मैसेज बिलीव्ड टू हैव बीन सेंड ऐसा माना जाता है कि प्रथम पहला एसएमएस था शॉर्ट मैसेज सेंड किया गया था दिसंबर 1992 फ्रॉम अ पीसी टू मोबाइल फोन on the Vodafone GSM network in UK, United Kingdom. ऐसा माना जाता है कि पहला जो मैसेज था वह दिसंबर 1992 में एक पीसी पर्सनल कंप्यूटर से मोबाइल फोन पर भेजा गया था किस नेटवर्क में वोडाफोन आजकल तो केवल जियो चल रहा है वोडाफोन GSM network in the UK. SMS has come a long way today. और आज जो है SMS जो है एक लंबा रास्ता तय कर चुका है 1992 से लेके आज तक 2020 तक एक लंबा रास्ता तय कर चुका है और काफी उसमें डेवलपमेंट भी हुआ काफी इम्प्रूवमेंट भी हुआ काफी बदलाव हुए कह रहा है कि आगे कह रहे हैं कि जडगिंग बाय इट्स प्रोसेस एक मिनट आगे कह रहा है कि जडगिंग बाय इट्स प्रोसेस एट प्रेजेंट Not many would believe that SMS had a very silent beginning. कह रहा है कि एक मिनट जडगिंग का मतलब होता है डिसाइड निर्णय करना जडगिंग बाय इट्स सक्सेस इसको इसकी सफलता को देखकर इसकी सफलता को देखकर यह निर्णय नहीं किया जा सकता एट प्रेजेंट नाउ मेनी वुड बिलीव दैट नॉट मेनी वुड बिलीव दैट बहुत लोग यह विश्वास नहीं करते हैं दैट कि एसएमएस हैड ए वेरी साइलेंट रिवोल्यूशन कि वेरी साइलेंट बिगनिंग बहुत ही चुपके से हमारे जीवन में एसएमएस चुपके से आ गया चुपके से एसएमएस की शुरुआत हो गई इतना साइलेंट बिगनिंग हुआ नॉट इवन द सेलुलर ऑपरेटर could comprehend the potential of this sleepy technology कह रहा है कि और जो सेलुलर ऑपरेटर है जो फोन निर्माता है सेलुलर ऑपरेटर है could comprehend that वो उस comprehend नहीं कर सकते तुलना नहीं कर सकते the potential of this sleepy technology उसकी potential का उसकी शक्ति का उसके ऊर्जा का सामर्थ्य का वह अनुमान नहीं लगा सकते कि यह sleepy technology कैसे धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में क्या हुआ छा गया Initially, and cared little to advertise it as an attraction for the mobile users. और छोटे से advertise से, विज्ञापन से, यह mobile users के लिए attraction, नहीं काफी आकर्षण का केंद्र रहा. करके however, फिर भी all that is the history now. फिर भी करके यह जो है इतिहास बना हुआ है. Today, every market player, सभी मार्केट निर्माता मार्केट प्लेयर फ्रॉम सेलुलर ऑपरेटर जो मोबाइल
के निर्माता है, सेलुलर ऑपरेटर टू मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरर्स, जो मोबाइल हैंडसेट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बना रहे हैं, इज कीन टू कैप्चर इट्स शेयर ऑफ द पाई नोकिया रिसेंटली लॉन्च एट द फर्स्ट हिंदी कैपिटेबल हैंडसेट 3350। सबसे पहले नोकिया ने क्या किया था, सबसे पहले नोकिया ने बनाया था, लॉन्च किया था, सबसे पहले नोकिया लॉन्च किया था फर्स्ट हिंदी कैपिटेबल हैंडसेट जिसमें हम हिंदी भी टाइप कर सकते थे। पहली बार 3350 मोबाइल, कुछ लोग देखे होंगे 3350 मोबाइल को नोकिया लॉन्च किया था, उस समय बहुत 3350 का बहुत डिमांड था। तो 3350 मोबाइल नोकिया लॉन्च किया था जिसमें हिंदी कैपिटेबल था, हिंदी को अभी हम टाइप कर सकते थे। टू गिव इट यूजर्स द ऑप्शन ऑफ सेंडिंग मैसेजेस इन हिंदी, जिसमें यूजर्स को ऑप्शन था, ऑप्शन दिया गया था